हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आज़ाद क्रिएशन पर। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ और अभी 10:30 बज रहे हैं दिन के और आज मुँह भी नहीं धोया, बस ब्रश करके ब्रेकफास्ट तो ऐसे ही कर लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, तो अभी धूप लग रही है खेत में, तो फिर उस वजह से फिर आज मैं नहाया भी नहीं, तो अब नहाएंगे खेत से आने के बाद। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बाकी मिलते हैं आपको खेत में पहुंच के और देखते हैं क्या काम है खेत में। वैसे काम आजकल मैं तौलिए कर रहा हूँ, 2 दिन हो चुके हैं तौलिए करते हुए, तो अभी 1-2 दिन और लगने हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो आजकल एक्चुअली सीन ये है कि सर्दियों में बस यही काम रहता है वैसे गाँव में, अपने पौधों की मेंटेनेंस का काम, तो तौलिए वगैरह करने होते हैं, खाद वगैरह करनी है और स्प्रे तो आपने देखा है, एक स्प्रे तो कर ली है और कुछ दिनों बाद एक और स्प्रे करेंगे TSO की। तो बस यही सब काम है। तो चलिए जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा जब जब स्प्रे करेंगे, जब भी कोई भी काम होगा। और अभी गड्ढे भी वगैरह खोदने हैं नई प्लांटेशन करने के लिए, तो अभी लगभग 15-20 दिन और लगभग काम में लगेंगे। तो जब तक ये वाले काम है तो आपको यही सब व्लॉग आते रहेंगे। अगर बीच में कहीं प्लान बना घूमने जाने का तो फिर वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं खेत में पहुंच के। तो गाइस ये वाला खेत कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं लंच करने। तो अभी हमने किए 24 पौधों में तौलिए और इस साइड वाले तो सारे खेत ही कंप्लीट हो चुके हैं, 6 साइड है। तो देखते हैं शाम को आके ये वाले करते हैं, बाकी जो भी प्लान बनेगा बता दूंगा। तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये आ रहे हैं पास से हमारे डरपोक ब्लॉगर मिस्टर विपिन आज़ाद। देखिए किस तरह से यहाँ पे झूले में आ रहे हैं, डर चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ अगर इनसे शादी करना चाहता है कोई, कृपया करके ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए किस तरह से इनके गांव में आना पड़ता है। मुझे खुद आज डर लगा है आते हुए, देख सकते हैं आप। इनसे कोई शादी ना ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से इन्हें झूले में आना पड़ रहा है। यहाँ पे डोर भी लगा दी है इतने। सो
सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में, और जो आपने अभी लास्ट क्लिप देखी वो अभी 1 बजे के बाद की थी, क्योंकि मैं जैसे कि आपने देखा लंच करने घर आ चुका था। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने गया था। क्रिकेट खेल हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो यहाँ से लगभग 10-15 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो आजकल वहाँ पे वैसे लकड़ पे जाना पड़ता है, खड़ क्रॉस करनी पड़ती है, पिछले 1-2 दिन से खड बढ़ने के कारण लक्कड़ जो है वो बह गए थे खड के साथ, उसी वजह से फिर झूले पे आना पड़ रहा था। और अगर ये आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैं चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दिन किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।